नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि दिमागी लकवा किस वजह से होता है। दोस्तों आइए जानते हैं, दिमागी लकवे की सही वजह अभी पता नहीं चल पाई है। दोस्तों माना जाता है कि गर्भावस्था में या बच्चे के जन्म के समय या जन्म के पहले 3 साल के भीतर दिमाग को पहुँचे किसी नुकसान से दिमागी लकवा हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि दिमागी लकवे के शिकार 70% बच्चों में से इस बीमारी की वजह होती है। गर्भावस्था के दौरान मस्तिष्क को पहुंची चोट, इस चोट की प्रकृति और गंभीरता से ही तय होता है कि बच्चे की संचालन या संवेगी क्रियाशीलताएं और बौद्धिक क्षमताएं कितनी प्रभावित हुई हैं। उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।